पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में मंगलवार को 26 जनवरी के अवसर पर देश का 72वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास एवं गरिमामय ढंग से मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने सुबह 9:30 बजे राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के बाद मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने खुली जिप्सी में परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर परेड द्वारा हर्ष फायर कर उत्साह व उल्लास जताया गया। इसके बाद आकर्षक मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथि को सलामी दी गई, जिसमें पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, नागरिक सुरक्षा कोर, एनसीसी, वज्र डायल 112 दल सहित अन्य टुकड़ियों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने उमंग और हर्षोल्लास के प्रतीक रंग बिरंगे गुब्बारे आकाश में छोड़े, साथ ही परेड कमांडरों एवं टोली नायकों से परिचय प्राप्त किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट कमांडिंग ऑफिसर सीओ कैंपियरगंज राहुल भाटी सहित टोली के नायकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को डीजीपी सम्मान और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, डीआईजी राजेश जी मोदक राव, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, एसपी सिटी सोनम कुमार, सीओ कैंपियरगंज आईपीएस राहुल भाटी, आईपीएस शशांक सिंह, एसपी क्राइम महेंद्र पाल सिंह, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला और आरआई उमेश दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा, परेड कमांडर राहुल भाटी जी का और उनका भरपूर दोनों जोश, उस अनुशासन और जुनून और अनुशासन को देखकर और हर उन लम्हों में कोई विशेष जगह बनाने वाले माननीय जिले वाले हमारे जोरदार तालियां बजाएं आप सब, क्या बात है। और श्री जोगेंद्र कुमार जी की सारी कल्पनाओं को आप सभी एक नए जोशीले गणतंत्र की वर्षगांठ, ये गणतंत्र दिवस हमारी अर्थ न बताओ महसूस करने वाला देशभक्ति का और संचार करने वाला दिन बना है। एक दूसरे को राष्ट्रीयता की सौगंध दिलाने वाले सिख ईसाई नहीं है, भारतीयता है, राष्ट्रीयता है, भारतवर्ष जीने का उद्देश्य है। वो स्वतंत्र राष्ट्र कैसा जिसने अपने देशवासियों को अपनी श्रद्धा भक्ति के दौर में विजय के आने का क्या बात है। बरबस आपके मुंह से निकलेगा क्या बात है। आई जी गोरखपुर रेंज श्री राजेश मोदक जी ने मंच से सलामी मंच से परेड की है। अपनी ड्यूटी पर तैनात और पुलिस के ड्यूटी पर तैनात होने का मतलब होता है
सतर्कता और चौकसी का जीवन तैनात है, इसका अर्थ है हमारे लिए सुख चैन की शत प्रतिशत गारंटी है। और चलते चलते समर्पण, त्याग और आत्मसंयम लहू में तेजी से बढ़ते चौराहों में गश्त लगा रहे होते हैं, ताकि हमें रजाइयों की सुंदर गर्मी मिल सके। उस वक्त पुलिस वाले नींद को जीत कर कहीं अपनी भूत प्यार की शिक्षा को मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताकि दूसरी स्थितियां हमारे साथ नहीं मिले। कर्मठ, निर्भीक और इसके समाज के प्रति समर्पित रविंद्र कुमार जी अपने मुख्य अतिथि AK-47। इसके बाद उप निरीक्षक की टीम युद्धि बढ़कर कमांडर के रूप में राणा देवेंद्र प्रताप सिंह जी उप निरीक्षक टीम है। जोरदार तालियां बजाएं आप सब। और फिर सशस्त्र पुलिस उप निरीक्षक विजय कुमार जी नागरिक पुलिस शहर शिवपति अखिलेश कुमार उप निरीक्षक सदैव कदम गर्व से सना हुआ सीना
कम कमाया विवेक कुमार अवस्थी, नागरिक पुलिस क्षेत्र रमेश चौधरी जी, वीरांगनाएं, ये सब महिला पुलिस की किसी को भी कर्म होगा भारत माता को, हमारे देश को और महिला आरटीसी प्रशिक्षण की जिनका भविष्य अब सबके ऊपर सुनहरा भविष्य सुमन सिंह उपनिरीक्षक राहुल दुबे और यातायात पुलिस उपनिरीक्षक दिलीप कुमार यादव जोरदार ताले बजाए जिनके इतना होने पर हम सबने इनकी कमी को महसूस किया हर पल एनसीसी के कैडेट के लिए दृढ़ संकल्प होकर
इस संविधान सभा में एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। पुलिस परेड ग्राउंड के परिसर में उपस्थित आईजी गोरखपुर रेंज श्री मोदक राजेश राव जी, जिलाधिकारी गोरखपुर श्री विजेंद्र पांडियन जी, डिस्ट्रिक्ट जज श्री डीएन सिंह जी, डीआईजी रैंक एसएसपी गोरखपुर श्री जोगेंद्र कुमार जी हाथ है, उपस्थित अन्य गणमान्य प्रबुद्धजन, मीडिया कर्मीगण, प्रिय भाइयों एवं बहनों, यह अत्यंत गौरव का विषय है कि बुद्ध श्री गोरखनाथ और संत कबीर की इस पावन तपोभूमि में आज हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इस पुनीत अवसर पर हम सभी शहीदों को, देशभक्तों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके त्याग विनिमय से आज हम स्वतंत्र एनवायरनमेंट में हैं। इसके साथ ही देश की सीमा पर खड़े सेना के वीर जवानों एवं उनके परिवारों को साधुवाद देता हूं, जिनके कारण आज हम अमन एवं चैन से ये गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मना पा रहे हैं। 26 जनवरी का दिन हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसी दिन आधुनिक भारत का एक संवैधानिक, एक सार्वभौमिक राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ था और इसी दिन हमने अपने संविधान को अधिनियमित एवं अर्पित किया था। संविधान की प्रस्तावना में हमने अपने देश को एक सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक लोकतंत्र बनाने का संकल्प लिया है। आज हमारे पास विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं स्वतंत्र निष्पक्ष मीडिया है, जो लोकतंत्र के चार स्तंभ है। हमारे पुलिस के ऑफिसर्स और जवान संविधान की परिधि में रहते हुए गोरखपुर जनपद एवं मंडल की कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए सतत प्रयासरत है। जब हम अपने घर में अमन और चैन की नींद सोते हैं तो ये पुलिस एवं सेना के जवान पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। हम अपने सभी त्योहारों को जब हर्षोल्लास से मना रहे होते हैं, उसे सकुशल, शांति और सौहार्द के साथ संपन्न कराने के लिए हमारी पुलिस के जवान और अधिकारी अपना खून पसीना एक कर देते हैं और इसके लिए, इस जज्बे के लिए हम पुलिस और उनके परिवारों को अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। 2020 में कोरोना वायरस की महामारी के संक्रमण से बचाव करने हेतु पुलिस अन्य कोरोना वॉरियर्स के साथ फ्रंट लाइन से खड़ी हुई थी और मुझे ज्ञात है कि पुलिस के कई कार्मिक, कई जवान संक्रमित भी हुए और इन सभी परिवारों को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और उनको नमन करता हूं। वर्ष 2020 में जनपद में पुलिस ने प्रभावी भूमिका निभाई है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 73 अभियोग पंजीकृत करते हुए 264 गैंगस्टर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा इन अपराध में संलिप्त लगभग 39 करोड़ की संपत्ति को जब्त कराया गया। महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु जनपद के प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना एवं सेरनी दस्ता का आरंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त 45 पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और विभिन्न मामलों में लगभग 19,000 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आपराधिक पृष्ठभूमि में संलिप्त लगभग 40 से अधिक लोगों का सस लाइसेंस जब्त किया गया। गोरखपुर पुलिस के सराहनीय कार्यों के लिए मैं समस्त पुलिस कर्मियों को बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार द्वारा प्रशासन में जन सहभागिता, जनता की समस्याओं का प्रभावी निराकरण, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार कार्यक्रम, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा, उद्योगों का विकास, कौशल विकास, समाज कल्याण, महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण, पुलिस सुधार, शहरी विकास,
शिक्षा को प्रोत्साहन, असहायों एवं वृद्धों के कल्याण, विद्युतीकरण, कृषक कल्याण आदि हेतु कई विकास उन्मुखी योजनाओं को लिया गया है। प्रदेश की वर्तमान सरकार का लक्ष्य जन आकांक्षाओं की पूर्ति तथा सबका साथ, सबका विश्वास एंड सबका विकास है। आज प्रदेश में स्वदेशी, स्वावलंबन एवं स्वच्छता के मूल मंत्र पर कार्य करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सरकार समस्त वर्गों की उन्नति एवं सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है। प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि में जनपद में 5,08,000 कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अभी तक लगभग 455 करोड़ रुपए प्रदत्त किए। जनपद के किसानों की रुचि में वृद्धि हुई है। कृषकों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, निराश्रित महिला, जनपद में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP योजना के तहत 13 कोटा के साथ साथ रेडीमेड गार्मेंट्स का हब, सीवर लाइन का निर्माण, पार्कों का पुनर्निर्माण, सुंदरीकरण, स्मार्ट एवं सुरक्षित नगरीय अंचल का विकास एवं जलाशयों में मिलने वाले नालों का आधुनिक कराने के लिए जिनकी सूक्ष्म देख रेख में ये परेड संचालित हुई, विजय कुमार जी, जय नंदिकर जी, क्योंकि वो स्वयं मंडला युक्त है मुख्य अतिथि, इसलिए सबसे अच्छी तरह तुम्हारा कैमरा आनंद से मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस बड़ा ही गदर हो जाएगा। सर इधर देखिए, अनिल कुमार गौर प्रधान परिचालक, ठीक है।
के पुलिस कर्मियों को आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर डीजीपी साहब की तरफ से सराहनीय सेवा सम्मान और उत्कृष्ट सेवा सम्मान प्रदान किया गया है। प्रशंसा चिन्ह प्रदान किया गया है हमारे 3 साइबर सेल के 1 उपनिरीक्षक और 2 कांस्टेबल्स को हमने प्रशंसा चिन्ह डीजीपी साहब ने प्रदान किया है। बाकी यहाँ जिले में जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हमारी तरफ से भी प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं। बहुत बहुत सब लोगों को बधाई और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ।